वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल एक बार फिर से रिव्यू। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि मैं अपने 7 से 8 साल पुराने माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर की सफाई कैसे करती हूं, जिससे कि वो आज भी बिल्कुल नया दिखता है। तो यहां पर देख लीजिए कि ये कितना गंदा हो रखा है मिक्सर ग्राइंडर। और साथ साथ मैं अपने माइक्रोवेव को बाहर और अंदर दोनों से दिखाऊंगी कि वो कैसा हो रखा है और मैं इसे किस तरह से क्लीन करती हूँ, जिससे कि वो आज भी बिल्कुल नया दिखता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियोस को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर की सफाई के लिए मैंने लिया है कॉलिन, साथ साथ माइक्रोवेव सेफ बॉल, 4 लेमन, आप वैसे लेमन ले सकते हैं जो कि ख़राब हो रहे हो, इस पर्पस में ये यूज़ हो जाएंगे। साथ साथ मैंने लिया है वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स से माइक्रोवेव और कोई भी गैजेट है वो बहुत ही अच्छा क्लीन होता है, तो मैंने इसलिए इसे लिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये सारी गंदगी जो मेरे मिक्सर ग्राइंडर में है, इसको मैं कॉलिन देकर छोड़ दूँगी। कॉलिन देके छोड़ने से ये होता है कि इसकी सारी गंदगी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और जब मैं इसे साफ़ करूँगी तो बहुत ही इजीली ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सारे मिक्सर ग्राइंडर के बॉडी पर स्प्रेड कर लेना है। जब अच्छी तरह से कॉलिन पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो जाए तो इसे कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने माइक्रोवेव की क्लीनिंग की। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है माइक्रोवेव सेफ बॉल और उसमें मैंने ले लिया है कुछ पानी, और इस पानी में मैं मिलाने वाली हूँ लेमन। मैंने 2 लेमन ले लिया है, ये वैसे लेमन है जो थोड़ा ख़राब हो चुके हैं या सूख चुके हैं, आप भी उस तरह के लेमन का यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लेमन का जो अर्क होता है मैंने पानी में गार लिया है अच्छी तरह से, और इसके जो छिलके को फेंकना नहीं है उसको भी इसी पानी में डाल देना है। अच्छी तरह से नींबू को निचोड़ लीजिए ताकि सारा अर्क पानी में चला आए। तो यहाँ पे मैंने अपने माइक्रोवेव को कर दिया है ऑन और इसका डोर ओपन करके मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसकी सारी गंदगी को दिखा दे रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ माइक्रोवेव बॉल, जिसमें मैंने रखा है लेमन वाटर, और अब मैं इसके डोर को क्लोज करके इसे 10 मिनट्स तक ऑन रखूंगी ताकि सारा लेमन वाटर अंदर में इवेपोरेट हो जाए और अंदर की सारी गंदगी जो होती है वो सॉफ्ट हो जाएगी। लेमन वाटर जैसे ही अंदर में इवेपोरेट होकर इसके सारे वॉल में फैल जाएगा और सारी गंदगी जो अंदर की होती है वो सॉफ्ट हो जाएगी, जिसे क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर की क्लीनिंग कर दूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने अपने चैनल पे अनाउंस कर दिया है गिव अवे कॉन्टेस्ट, और इस कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं 1000 रुपीज़ का गिफ्ट। तो जीतने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, नीचे कमेंट, और जो सबसे ज़्यादा करेगा उसको मिल जाएगा 1000 का गिफ्ट मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मिक्सर ग्राइंडर की क्लीनिंग किस तरह से की है। अच्छी तरह से सारे कोने को मैं साफ़ कर रही हूँ। कॉलिन का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये हर गैजेट्स को बहुत ही अच्छा लुक दे देता है क्योंकि इसकी जो क्लीनिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो कॉलिन ज़रूर रखें और हर गैजेट को इसे साफ़ करें। तो हर कोनों को मैंने साफ़ किया है बहुत ही अच्छे से। माइक्रोफाइबर के क्लोथ्स भी इस तरह की क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो घर में बच्चों के फरी वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो भी इस तरह की सफाई के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपके पास हों तो उसको ज़रूर हटाकर इस तरह की क्लीनिंग के लिए रख दें। और अब मैंने अपने मिक्सर ग्राइंडर को कर दिया है उल्टा और डायरेक्ट इस पर कॉलिन नहीं डालना है क्योंकि हो सकता है कि अंदर के पार्ट पर से डायरेक्ट कॉलिन डालने से ख़राब हो जाए। तो मैंने कॉलिन को डाला है कपड़े पर और अब मैं इसकी अच्छी तरह से सफाई
कर दे रही हूँ। लोग गैजेट्स को तो साफ कर देते हैं लेकिन इसके कॉर्ड को साफ करना भूल जाते हैं। कॉर्ड भी गैजेट का पार्ट होता है तो उसकी भी सफाई जरूर करें। और अब मेरे मिक्सर ग्राइंडर को आप देख सकते हैं कि ये हो गया है सुपर डुपर क्लीन। तो 10 मिनट्स के बाद अब मेरा माइक्रोवेव ओवन ऑफ हो चुका है और अब मैं इसमें से ये ग्लास बॉल बाहर कर रही हूँ। हाथ से नहीं निकालना है क्योंकि ये गर्म होता है, किसी कपड़े की हेल्प से इसे बाहर निकाल लें। साथ साथ जो अंदर ग्लास प्लेट है और जो स्टैंड है उसे भी आप बाहर निकाल लें और सिंक में जैसे बर्तन आप लोग धोते हैं उसी तरह इसकी सफाई कर लें। और अंदर का जो पार्ट है वो पूरी तरह से अंदर जो गंदगी जमी हुई थी वो लेमन वाटर से सॉफ्ट हो चुकी है और अब आप किसी भी क्लोथ की हेल्प से रगड़कर सारी गंदगी को इजिली पोंछ सकते हैं। अगर कपड़े से वो गंदगी नहीं निकल रही है तो स्पंज क्लोथ आता है या कोई भी स्क्रबर आता है उससे भी आप साफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वो लेमन को अच्छी तरह से पूरे बॉडी के अंदर रगड़ दे रही हूँ माइक्रोवेव के, और इस तरह के स्क्रबर से भी मैं इसकी सफाई कर दे रही हूँ। इस तरह के स्क्रबर को यूज़ कर देने से माइक्रोवेव काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और बहुत ही अच्छे से इसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो अच्छी तरह से क्लीन कर लेने के बाद अब मैं इसको एक साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दूंगी। इसकी सारी गंदगी निकल चुकी है बाहर, इसका स्मेल जो भी था वो लेमन से बाहर निकल चुका है और जो माइक्रोवेव है वो अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और अब मैं इसकी क्लीनिंग बाहर से करूंगी। तो आप अंदर से देख लीजिए ये कितना साफ और अच्छा दिख रहा है और स्मेल भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेमन लेमन टाइप का। और अब मैं इसकी क्लीनिंग बाहर से कर रही हूँ। बाहर के लिए कॉलिन बेस्ट है, कॉलिन से काफ़ी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। किसी साफ कपड़े की मदद से कॉलिन देकर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर इसे साफ करें, आपका माइक्रोवेव चमक उठेगा। मैं इसकी सफाई इसी तरह से 8 साल से कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी पुराना नहीं लगता है। तो आप भी मेरे इस ट्रिक को फॉलो करें, मेरी तरह सफाई करें, आपका भी गैजेट 8 साल होने के बाद भी बिल्कुल नया दिखेगा। और ये है टच पैनल, इसकी भी सफाई जो है आप डायरेक्ट कॉलिन ना डालें, इस क्लोथ्स पे कॉलिन डालें और उसके बाद रगड़कर पोंछ दें। डायरेक्ट डालने से हो सकता है कि ये टच पैड खराब हो जाए। तो आपको मेरी क्लीनिंग कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वे मेरा तरीका कैसा लगा साफ करने का, आप भी इसको फॉलो करोगे या नहीं। और मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आपको तहे दिल से थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच।